हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू www.staffnurseexam.com। आज की इस वीडियो में हम आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा टॉपिक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसी भी एग्जाम को आप उठाकर देख लीजिए। तो हम जल्दी से पढ़ते हैं आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन। इंट्रावीनस फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए हमें एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हमें डॉक्टर्स ऑर्डर करते हैं कि 2 लीटर फ्लूइड आपको 2 घंटे में इन्फ्यूज करना है। तो ये 2 लीटर फ्लूइड हमें किस तरीके से चलाना है, किस रेट पर इन्फ्यूजन करना है, और जो इन्फ्यूजन पंप होते हैं या सिरिंज पंप होते हैं उनको किस तरीके से सेट करना है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्लूइड को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जिससे हमारा फ्लूइड ml पर मिनट में निकल जाएगा कि इतना ml फ्लूइड अगर हम इतने मिनट्स के हिसाब से देंगे तो वो फ्लूइड कितनी देर में फिनिश होगा। फ्लूइड ml पर मिनट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ पाइंट्स यानी कि ml मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप फैक्टर। यहां पर नंबर ऑफ पाइंट्स का मतलब है कि 1 पाइंट जो होता है हमारा इक्वल होता है 500 ml के बराबर, यानी कि एक 500 ml नॉर्मल सलाइन का बॉटल 1 पाइंट नॉर्मल सलाइन है। उसके बाद उसको हम गुना करते हैं ड्रॉप फैक्टर के साथ। यहां पर जो हमारा ड्रॉप फैक्टर है ये हमारे लिए नई टर्म है। ड्रॉप फैक्टर का मतलब होता है कि 1 ml फ्लूइड के अंदर कितनी बूंदे बनेंगी, हमारे जो ड्रिप सेट है उसके अंदर 1 ml फ्लूइड के अंदर कितनी बूंदे बनेंगी, ये ड्रॉप फैक्टर है। और ये ड्रॉप फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट सेटों के लिए डिफरेंट होता है। जैसे हमारा आईवी सेट है, सेफ सेट है, ब्लड सेट है या पीडियाट्रिक ड्रिप सेट है, तो उनके सबके अपने अलग अलग ड्रॉप फैक्टर होते हैं, वो उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ पॉइंट्स को ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसके बाद से टाइम इन मिनट से हम लोगों को डिवाइड करना है यानी कि भाग देना है। तो इससे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी रीडिंग आती है वो होता है ml पर मिनट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद आता है ड्रॉप फैक्टर अडल्ट के केस में, यानी अडल्ट वाले जितने भी ड्रिप सेट हैं उनमें क्या होता है। वहां पर ज्यादातर 16 या 18 का ड्रॉप फैक्टर होता है। ये आप जब किसी भी आईवी सेट को या ड्रिप सेट को, ब्लड सेट को पीछे की तरफ से देखेंगे तो वहां पे ये रीडिंग दी गई होती है कि इसका ड्रॉप फैक्टर कितना है। तो हमें स्टैंडर्ड तरीका यही है कि उस ड्रॉप फैक्टर को लगा के फिर ही अपने फ्लूइड को कैलकुलेट करना है, नहीं तो ये 16 और 18 यूनिवर्सल मान के आप चल सकते हैं। जो हम थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं उनमें ये आसान रहता है। इसके अलावा कई जो सेट है उनमें 20 ड्रॉप्स का भी ड्रॉप फैक्टर होता है। ऐसे सेट को हम मैक्रो ड्रिप सेट कहते हैं, जो हम अडल्ट के लिए यूज करते हैं जिनका 16 या 18 होता है उनको मैक्रो ड्रिप सेट कहेंगे। दूसरी तरफ ड्रॉप फैक्टर जो हमारा पीडियाट्रिक का केस होता है, पीडियाट्रिक के सेट छोटे होते हैं, उनमें 1 ml के अंदर 60 बूंदे बनती हैं फ्लूइड की, तो ऐसे सेट को हम माइक्रो ड्रिप सेट कहते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए हमें एक फिजिशियन ने ऑर्डर किया है कि आप 6 लीटर फ्लूइड को 24 आवर्स में इन्फ्यूज करना है। अब उसने हमें फ्लूइड्स में दे दिया कि 1 लीटर आप NS लीजिए, 1 लीटर DNS, 1 लीटर RL, 1 लीटर 5D, 1 लीटर 0.45% NS और 1 लीटर कोई और फ्लूइड है जैसे हमारा 20D। ये सारे हमें 24 आवर्स में इन्फ्यूज करने, तो टोटल फ्लूइड हो गया हमारे पास 6 लीटर। हमें देना कितना है, 24 घंटे में पेशेंट को देना है। तो अब इतने सारे फ्लूइड्स हमें देने हैं तो हमें कुछ ड्रॉप फैक्टर
इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उन्होंने हमें एक जो सेट दिया है उसमें ड्रॉप फैक्टर पीछे की तरफ लिखा हुआ है 20 ड्रॉप्स पर ml। तो हम यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ पाइंट या फिर ml में फ्लूइड को लिखिए, मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। कितना फ्लूइड देना हमें ml में, 6 लीटर दिया हुआ है हमारा, 6 लीटर को हम ml में चेंज करेंगे तो कितना आ गया, 6000 ml। 6000 ml को हमें ड्रॉप फैक्टर कितना दिया गया है 20, तो हमें इसे ड्रॉप फैक्टर को 20 यहां पे लिख दिया। उसके बाद हमें कितनी देर में देना है, तो उन्होंने बोला हमें 24 घंटे में ये फ्लूइड इन्फ्यूज करना है, तो मैंने 24 लिख दिया, लेकिन इससे तो मेरा पर आवर का आ जाएगा, तो हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, यानी कि मिनट्स के साथ, मिनट में चेंज करने के लिए, ये 24 आवर्स है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए हमने 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 25/3 इक्वल्स टू 8.3, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है वो हमें रखना पड़ेगा 8.3, या फिर हम अगर नॉर्मल कर रहे हैं तो 8 ml पर मिनट, पीछे वाले पॉइंट में जो डिजिट है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो 8 ml पर मिनट के हिसाब से हमें फ्लूइड देना पड़ेगा पेशेंट को, ताकि हमारा 24 आवर्स के अंदर ये 6 लीटर फ्लूइड्स फिनिश हो सके। तो जो हमारा इन्फ्यूजन पंप होगा उसे हमें सेट करना होगा 8 ml पर मिनट के हिसाब से। ये है हमारा फ्लूइड कैलकुलेशन। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज विजिट www.staffnurseexam.com।